हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एसकेटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को बताएंगे किसी भी सोल्डिंग आयरन का कॉयल कैसे चेंज कर सकता है। तो देखिए, किसी भी सोल्डिंग आयरन का कॉयल ठीक हो सकता है, लेकिन किसी भी सोल्डिंग आयरन में क्या होता है, किसी किसी टाइम में ओवरहीटिंग की वजह से या ओवरलोड की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से कॉयल पूरी तरीके से खराब हो जाता है, तो उसको चेंज करना होता है। तो इसी कारण से हम सोल्डिंग आयरन का कॉयल चेंज करते हैं। तो सोल्डिंग आयरन का कॉयल चेंज करने के लिए पहले आपको सोल्डिंग आयरन का बैक प्लास्टिक का मिलेगा, ठीक है, उसको आपको पहले खोल लेना होगा। तो पहले इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद यहाँ पर को दो टर्मिनल नजर आ रहा है, एक होगा फेज, एक होगा न्यूट्रल। जो आपको सप्लाई आ रहा है उसको पहले यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद ऊपर में जो आपको मेटल टाइप का दिख रहा है उसके अंदर आपको कॉयल रहेगा। तो चलिए उसको पहले हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद वहाँ पर जो को पुराना वाला कॉयल है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे और नया वाला कॉयल को वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, नया वाला कॉयल जो मेरे पास 10 वाट का है वहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए वहाँ पर फिटिंग कर देते हैं। बाद वहाँ पर डायरेक्टली जैसे कनेक्शन था वैसे ही कनेक्शन को लगा देंगे, एक में फेज एक में न्यूट्रल, और उसको जैसे था ऐसे ही पैक कर देंगे। और पैक करने के बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से बढ़िया से यहाँ पर हमारा सोल्डिंग आयरन वर्क कर रहा है।